डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम आपको प्रैक्टिस राइटिंग राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करते हैं वो आपको बताते हैं, और अल्फ़ाबेट्स किस प्रकार आपको बनाना है, और इस अल्फ़ाबेट्स को एक बार अल्फ़ाबेट्स लिख के हमें पूरा पेज में हमें उसको कंप्लीट करना है। तो आप 4 लाइन कॉपी लेंगे इंग्लिश की, उसमें ए लिखेंगे, पहला ए लिखेंगे। किस प्रकार लिखना है देखिए, ये ए फॉर एप्पल, क्या है ये, ए फॉर एप्पल। तो आपको जो ए फॉर एप्पल बनाना है उसमें क्या बनाना है, ए। ये किस प्रकार बनाना है, सबसे पहले हमें इस ये जो है स्मॉल लाइन लेनी है, सिर्फ 2 लाइन में, ठीक है, 2 लाइन में लेनी है। उसके बाद आपको ये ऊपर से लेते हुए ऊपर तक यहाँ 20 तक लेके आना है, ठीक है। सेकेंड स्टेप है ये हमारा, और थर्ड स्टेप हमारा क्या है, इस प्रकार ये पूरा ए हमारा यहाँ से ये बन गया, पूरा ए यहाँ तक बन गया। अब पूरा 4 स्टेप है जो हमारा क्या है वो, ये कम्प्लीटली ए हो जाएगा, ए। इस तरीके से आपको ए बनाना है। आपको पहला वर्ड बनाना है ए, पहला वर्ड आपका कैसे बनेगा, इस प्रकार। तो आपको 4 लाइन कॉपी लेनी है और उसमें ए लिखते जाना है, इस तरीके से लिख के आपको कम्प्लीटली कॉपी में फिल कर देना है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप हमारा, अब सेकेंड बनाएंगे हम इस प्रकार। तो आपको एक पेज में पूरा लिख लेना है, पूरा पेज फिल करना है आपको ओनली ए ए लिख कर, ए फॉर एप्पल बोल बोल के, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, फिर से लिखेंगे ए फॉर एप्पल। तो आपको ये कम्प्लीटली इस प्रकार पूरी लाइन आपको फिल करनी है। पहले आप पूरी लाइन लिख लेंगे, पेरेंट्स से बोलना, पेरेंट्स से आप हेल्प लेंगे, हेल्प लेके आप फुल पेज हैंड राइटिंग करेंगे। इसको लिखने से आपकी जो राइटिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट होएगा और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो जाएगी, ठीक। अब हम नेक्स्ट स्मॉल लेटर ए करेंगे। तो हमारा स्मॉल लेटर ए क्या है, ये ए फॉर एंड, ए फॉर एप्पल भी होता है और ए फॉर एंड भी होता है। तो जो फिर हमें ए करना है उसके भी स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप है हमारा ये छोटा सा, इसको इस तरीके से एक लाइन करनी है। सेकंड स्टेप पे हमें इसको पूरा ऊपर तक लेके जाना है इस तरीके से, वापस टर्न करने लेना है इसको, ओके। अब फिर दोबारा से आ जाइए, थर्ड स्टेप है हमारा इस तरीके से ए कम्प्लीटली, ए इस तरीके से बनेगा। अब ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 4 स्टेप पे आ जाइए, 4 स्टेप हमारा ये वाला है, इसका पूरा कंप्लीट इस तरीके से, ये हमारा पूरा कंप्लीट ए यहाँ पे आके कंप्लीट होएगा। तो जो स्मॉल ए है वो हमारा इस तरीके से कंप्लीट होएगा। तो जैसे आपने कैपिटल लेटर ए लिखा था, कितनी लाइन में लिखा था, 3 लाइन में, लेकिन ये जो है हमें इसको सिर्फ ओनली 2 लाइन में कम्प्लीट करना है। तो आप सबसे पहले इसको इस तरीके से करेंगे, वापस आएंगे, वापस आके दोबारा से इसको इस तरीके से कंप्लीट करेंगे, ओके। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स लिखेंगे, नेक्स्ट इसी को लिखेंगे आप दोबारा से, प्रैक्टिस करते जाना है बार बार, फुल इंग्लिश का पेज फिल करना है। अगर आप फुल नहीं कर सकते तो आप 5 लाइन करेंगे, यानी आपको हाफ पेज में ए स्मॉल लेटर बना लीजिए, ए कैपिटल लेटर बना लीजिए। पहले कैपिटल लेटर बनाएंगे 5 बार, फिर उसके बाद स्मॉल लेटर ए बनाएंगे नीचे 5 बार, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पूरा कंप्लीट करते जाना है, यानी 5 लाइन आप ए लिखेंगे कैपिटल लेटर और 5 लाइन आप स्मॉल लेटर ए लिखेंगे, ओके। अब हम बी देखेंगे, अब हमारा बी फॉर बैट है। बी फॉर बैट में आपको क्या करना है, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। तो बी फॉर बॉल में 1 स्टेप हमारा ये वाला है, पहले 1 स्टेप इस तरीके से लिया, ठीक है। सेकंड स्टेप में हमें दोबारा टर्न करना है, इसको ऊपर से स्टार्ट करना है, ऐसे इधर से ऐसे, और इसको ऐसे स्टार्ट करते जाना है। अब थर्ड स्टेप है हमारा इस तरीके से, वापस उसी को टर्न करना है, वापस आ जाइए ऐसे आधा। अब फुल, अब जो 4 स्टेप है हमारा वो आपका कम्प्लीटली फुल हो जाएगा इस तरीके से, फिर इसको वापस ऐसे आ जाना है और ऐसे घुमा देना है इसको इस तरीके से, ओके। तो आपका ये जो बी है वो पूरा कम्प्लीटली बी बन जाएगा, ओके। तो
अब आप यहाँ पे बनाएंगे बी, बनाइए बी, कंप्लीटली बनाते जाएंगे। तो बनाइए बी, बनाएंगे हम इस प्रकार, बी बनाते समय ध्यान रहेगा कि एक बार जो जैसा बना है बिल्कुल वैसे ही बनेगा। हर पेज में आपको एक लाइन में आपको कितनी बार करना है, कम से कम 5 बार लिखेंगे और एक पेज में आपको 5 लाइन लिखनी है। एकदम स्मॉल स्मूथली हाथ चलाएंगे, बिल्कुल आराम आराम से ध्यान रखना कहीं पे भी लाइन इधर से उधर नहीं होगी, अगर होगी तो आप उसको इरेज करके दोबारा लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है, ठीक है। जैसे आपने एक लाइन पूरी लिख ली, अब आपको ये 5 लाइन 1 2 3 4 5 आप 5 बार इसको लिख सकते हैं 5 लाइन। नेक्स्ट है हमारा स्मॉल लेटर बी। क्या है बी? स्मॉल लेटर बी फॉर बॉय, स्मॉल लेटर बी फॉर बॉय। तो आपको भी इसको स्टेप बाय स्टेप सीखना है। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा, इतनी लाइन खींचेंगे, एकदम टच करके नहीं करना, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर इसको स्टार्ट करना है। अब इसको इस तरीके से अब ऊपर से करेंगे, ऊपर से इस तरीके से घुमा देंगे। आप ये यहाँ तक ले गए थे ना, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप है हमारा, कम्प्लीटली बी बन जाएगा इस प्रकार, ठीक है। तो आपको जो बी है वो आप देखिए कैसे करना है, आपको नीचे से स्टार्ट नहीं करना बिल्कुल भी, थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर स्टार्ट करना है। इसको बी को बनाएंगे, ओके। इसको बनाते जाएंगे इस प्रकार, बी फॉर, अब बोलते भी जाना है बी फॉर बॉय, बोलते जाइए बी फॉर बॉय, लिखते जाना है और बोलते जाना है बी फॉर बॉय, बी फॉर बॉय, ओके। आपको ये इस तरीके से बार बार करते जाना है, बोल बोल के लिखते जाना है। जितनी बार आप अल्फाबेट्स लिखेंगे उतनी ही बार आपको बोलना है। नेक्स्ट हमारा सी, कैपिटल लेटर सी। कैपिटल लेटर सी में आप क्या करेंगे, सी फॉर कैट, क्या बोलेंगे आप, सी फॉर कैट। इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। पहला स्टेप है इस तरीके का, दूसरा स्टेप है आपका इस तरीके से, तीसरा स्टेप है हमारा ऐसे, चौथा स्टेप हमारा कम्प्लीटली फुल हो जाएगा, ओके। तो आपको इस तरीके से करना है।